जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 को हुआ है उनके लिए क्या मैसेज है, जिनका भी बर्थडे 5th, 14th, and 23rd को है, लेट्स सी व्हाट आर माय कार्ड्स से. ओप्स, वी टुक आउट टू कार्ड्स. सो द एनर्जीज आर ऑफ स्वॉर्ड्स. सो मे बी द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू स्टे पॉजिटिव. दिस इज अ टाइम वेयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू एंड विद इन यू. ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत नेगेटिव जोन में हैं. मे बी यू आर कंप्लेनिंग अलॉट, मे बी यू आर क्रिबिंग अलॉट, मे बी देर इज अ लॉट ऑफ पेन हर्ट इन योर एरियाज, देर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी विच इज हैपनिंग विथ यू, द लॉट ऑफ नेगेटिविटी विच यू आर सीइंग अराउंड यू. सो दिस इज अ टाइम वेन द यूनिवर्स इज सेंडिंग अ मैसेज टू यू दैट स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव. कहते हैं अगर 100 गलत है तो एक अच्छी चीज उसमें से ढूंढ लीजिए और उस एक चीज पे फोकस करिए. सो मे बी टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ मैसेज दैट स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. कुछ भी एक पॉजिटिव हो रहा है उसको पकड़ लीजिए और उस पर एनर्जी डालना शुरू करिए. आई वुड जस्ट एडवाइज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपकी वाइब्रेशंस हाई जाएगी. सिचुएशंस खराब हो सकती है इस आने वाले मंथ में, सितंबर में, अक्टूबर में, पर आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हायर वाइब्रेशन आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है. नाउ लेट्स चेक आपको यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू क्या कहना चाह रहा है. सो वाटर बॉडी, सो मे बी यू नीड टू हील थ्रू वाटर. आप जब भी नहाते हैं कोशिश करके आप प्रैक्टिस करिए क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी, क्लेंजिंग ऑफ योर ऑरा एंड क्लेंजिंग ऑफ योर एनर्जी फील्ड. जस्ट से दिस दैट द वाटर इज रिलीजिंग एवरीथिंग नेगेटिव विच आई एम होल्डिंग एंड ब्रिंगिंग मोर पीस एंड जॉय इन माई लाइफ. एंड ऑल्सो व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जाइज दैट वाटर. टू नो मोर यू कैन मैसेज अस. गॉड ब्लेस यू.